कुछ आइडिया है? क्या आइडिया है? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, यस और नो? ओके, ये इस चैप्टर का कितवा क्वेश्चन था? पांचवा। कैसे मालूम है? पहले तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड देयर टाइप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? थ्री। प्राइस, इनकम, ग्रॉस, एक क्वेश्चन हो गया, वेरी गुड। उसके बाद पढ़ाया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फाइव। अच्छा, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा शॉर्ट नोट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया था, उसका सिंबॉलिकली हाउ टू डिस्क्राइब द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, याद आ रहा है? वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इमिडिएटली किया हम लोग ने, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाउ टू प्रेजेंट सिंबॉलिकली, बराबर, शॉर्ट नोट यू कैन से दैट। और उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कराया, मतलब ये चार क्वेश्चन होंगे, बराबर। उसके बाद कल के लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके पांच टाइप, करेक्ट? Very nice. अच्छा, एक चीज आपको नोट करके अभी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये साल आप लोगों को पढ़ने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। रिजल्ट लास्ट ईयर में जो 12 का बोर्ड गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया था, अभी एक साल की बात नहीं कर रहे, पिछले साल की बात कर रहे हैं। तो आपको तो मालूम है लास्ट ईयर में जो, मतलब ये साल जो 12 में थे, जो पास आउट होने वाले थे, जिनका बोर्ड होने वाला था, वो तो कैंसल्ड हो गया। ओके, सो कैंसल्ड हो गया, ठीक है। बट कैंसल होने के पहले, चार पांच महीने पहले, इन द मंथ ऑफ आई थिंक मे बी डिसम्बर, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था कुछ सिलेबस उनका रिड्यूस होगा करके, जब लोग आप लोग इलेवन, तो कॉलेज ने भी आपका सिलेबस रिड्यूस किया था एग्जाम के लिए, बिकॉज नो वन नोज दैट कि क्या आने वाला था, राइट? सो बोर्ड का सिलेबस कुछ कम हुआ था 20-30% से। सो कीप इट इन माइंड, This year also government carries with the same syllabus. मतलब आप सब कुछ नहीं पढ़ोगे, आप रिड्यूस वाला पढ़ाई नहीं करोगे, getting it? आपको समझाना पड़ेगा, आपको समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको जो पार्ट डिडक्ट हुआ है वो नहीं पढ़ना है, उसके लिए PDF था लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के पास, किसी कोई रहेगा पहचान का तो ले लो, डिडक्शन पार्ट इन्वॉल्व इन दैट भी तो था, आप लोग ही चिल्ला रहे थे ये नहीं है, तो याद है कि नहीं? लास्ट ईयर में मैं पढ़ा रहा था, सर ये है नहीं आपको, सो समथिंग लाइक दिस। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द लास्ट ईयर आल्सो, सो इफ इट इज आई रिसीव्ड आई विल सेंड इट द ग्रुप, बट पॉइंट इज दैट वी डोंट हैव टू स्टडी ऑल। हां, अगर बात हुई, कुछ चेंजेस नहीं हुए, पूरा रहेगा तो देन सी, बट 99.99% रिडक्शन पार्ट विल बी देयर, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन दिस ईयर आल्सो, बराबर है ना? ये साल भी सब कुछ, अब तो कॉलेज को स्टार्ट होने वाला है नहीं, बराबर, समथिंग इज गोइंग वेरी लाइक, मतलब ऑनलाइन ओनली, तो आपको वही 99% मुझे लगता है कि वही रहेगा। तो जो रिडक्शन वाला पार्ट है वो अननेसेसरीली स्टडी मत करो, डोंट टेक द ओवरबर्डन ऑफ स्टडी। सर अभी हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं बोला आपको PDF अगर मेरे पास आता है, मेरे पास आया तो मैं आपको सेंड करूंगा। हाँ, इससे अच्छा तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो आई नो दैट चैप्टर वाइज क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, तो जो रिडक्शन वाला चैप्टर है, टॉपिक है, मैं उसको वैसे भी एक्सक्लूड करके पढ़ा दूंगा। जैसे कि मैंने आपको ये पढ़ाया था सप्लाई में जो पार्ट नहीं था, डिटरमाइनेंट ऑफ सप्लाई, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो नहीं है तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो आपको मेरे पढ़ाने पर ध्यान देना पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। जो एक्सक्लूडेड है वो मैं कंटिन्यू कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे चैप्टर वाइज पता है एकदम, आप पूरा का पूरा सारे चैप्टर का एकदम पूछोगे तो आई डोंट नो, तो क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है आई नो वेरी वेल। सो इसीलिए अभी सप्लाई के अंदर भी देखो मैंने एक दो क्वेश्चन नहीं पढ़ाए, रीजन वो एक्सक्लूडेड था। समझ में आया आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इट इज नॉट कि मैंने पढ़ाया नहीं, दैट्स व्हाई, बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस, ठीक है, आपके सिलेबस से उसको काटा गया है तो वो नहीं आएगा। तो अगेन इन दिस चैप्टर ऑल्सो देर आर फ्यू क्वेश्चन आर देर, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 5 क्वेश्चन। अगेन वी आई एम गोइंग टू टेक यू द परसेंटेज मेथड टूडे, देन आउटले मेथड, बट आई डोंट नो वेदर दिस क्वेश्चन देर इन द एग्जाम और नॉट, बिकॉज परसेंटेज मेथड तो है
आउट में भी है, बट लास्ट वाला एक मेथड से बचता है, वो आई एम नॉट श्योर, वो पहले कंफर्म करोगे। एक ही क्वेश्चन, फैक्टर तो है ही नहीं, वो तो बहुत पहले ही उड़ गया था, पेज नंबर 33 वाला क्वेश्चन, वो तो बहुत पहले उड़ गया था, तो वो तो है ही नहीं। तो हाँ, परसेंटेज मेथड पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि वो शायद 100% है शायद। ठीक है, तो पेज नंबर 30 आपको निकालना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग को अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेजर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है तो कितने मेथड है? तीन। कितने मेथड है? तीन। तो पहला परसेंटेज मेथड, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के कितने तरीके हैं मेथड से? तीन। हाउ मेनी मेथड? पहला परसेंटेज, दूसरा टोटल आउटले, टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसको, और थर्ड वन जो है लीनियर और नॉन लीनियर, जिसको पॉइंट मेथड भी बोला जाता है। तो देयर आर थ्री मेथड्स। तो पॉइंट मेथड का लेट मी कंफर्म विथ यू गाइस, वो होगा। हाँ, क्या आलस कौन दे रहा है? चलो पेज नंबर 30 निकालो, लेट्स स्टार्ट। परसेंटेज सिंपल है ये, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बट आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको, क्या मैं पढ़ा रहा हूं? मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सुना, कौन सा मेथड करेंगे सर? रेशियो और परसेंटेज मेथड। मेथड का नाम समझ में आया? वेरी गुड। सॉल्व भी करेंगे। पहला थोड़ा थ्योरी है, एक पार्ट में लिख देता हूं, जब थ्योरी एक पार्ट में लिख देता हूं क्वेश्चन। रेशियो मेथड लिखना तो पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन अभी नहीं, बाद में लिखो चलेगा। डेवलप बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्क्स। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजरिंग बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पॉइंट नंबर थ्री, परसेंटेज मेथड रेशियो और परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड अरिथमेटिक मेथड। थ्योरी प्रैक्टिकल ये अपने पास है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू
मोबाइल थोड़ा अपनी साइलेंट पे रखो, अभी मुझे बोलना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन खत्म भी हो गया। पहले बोर्ड पे देख लो, उसके बाद आपको कॉपी तो करना ही है। सुना पहला और आज का पहला क्वेश्चन, और टोटल अपने को आज दो ही क्वेश्चन करना है। रीजन बिकॉज ये चैप्टर खत्म ही हो जाए, राइट? ओके, सो नाउ मेजरिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो सर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने के कितने मेथड है? तीन। पहला रेशियो मेथड, जिसको परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट मेथड, जिसको ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। देयर आर थ्री मेथड्स आर देयर फॉर अ मेजरिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेट्स स्टार्ट थ्योरी। पॉइंट नंबर वन, रेशियो एंड परसेंटेज मेथड। तो रेशियो मेथड इज डेवलप बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। सर ये मेथड किसने जनरेट किया, किसने डेवलप किया? पॉइंट नंबर वन। उसके बाद सर ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये हम लोग ऑलरेडी पता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकाला जाता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। याद है अपन ने किया था ऑलरेडी, राइट? ओके, तो वैसे वही लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजरिंग, कैसे मेजर होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वही लिखा है। लास्ट में रेशियो और परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड अरिथमेटिक मेथड। It is also called arithmetic method. Theory 3 points completed. Then formula. So elasticity of demand कैसे calculate किया जाता है? So elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demand upon percentage change in price. ये तो पहले ही पता है। So now ये भी आपको जाना पहचाना हुआ है। Elasticity of demand is equal to percentage, triangle stand for change, original quantity demand, and upon परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो लिखा था उसको सिंबॉलिकली मैं कन्वर्ट किया। नेक्स्ट वन, अगेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड, याद है ना, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। सर ये कैसे पता चला? यहां पर मैंने सब लिखा हुआ है। ट्रायंगल स्टैंड फॉर चेंज, ओनली क्यू स्टैंड फॉर ओरिजिनल डिमांड, ट्रायंगल क्यू स्टैंड फॉर चेंज इन डिमांड, पी स्टैंड फॉर ओरिजिनल प्राइस, ट्रायंगल पी स्टैंड फॉर चेंज इन प्राइस। तो नाउ डिनोमिनेटर कहां पर? ओके, और लास्ट में डिनोमिनेटर सेम करके मैंने इनटू कर दिया, ठीक है? सो दिस मेथड इज कॉल्ड रेशियो मेथड। ये कहा आता है? शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन? आइदर दे विल मेंशन मेजर रेशियो मेथड, या फिर परसेंटेज मेथड, या फिर एरिथमेटिक मेथड। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आया, आंसर विल बी रिमेन सेम। तो पिंपल,
हो गया। चलो मेक इट फास्ट, क्या हुआ आप? करेक्ट आंसर एग्जाम में लिखो सर। ये वाला कॉलम क्रॉस करूं क्या? ये वाला तो चार Thank you.
Thank you.
Thank you.
पहले समझ लो इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, और मोस्ट प्रॉब्ली आता ही है। पता नहीं अभी बताऊंगा तो जो है वो चलेगा टेक्सटबुक है ना। बराबर है चलो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। तीन चेंजेस दिखाई देंगे इसमें अंदर। नाउ क्वेश्चन का नाम है मेजरमेंट एंड मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर हम लोग अभी पहले क्वेश्चन देखा परसेंटेज मेथड, जो इसका नाम था रेशियो। अब हम लोग देख रहे टोटल एक्सपेंडिचर, दिस इज टोटली न्यू फॉर अस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सिंपल बात करेंगे थ्योरेटिकल। नाउ परसेंटेज मेथड किसने परफॉर्म किया, डेवलप किया था, अल्फ्रेड मार्शल। तो टोटल एक्सपेंडिचर भी किसने डेवलप किया, अल्फ्रेड मार्शल। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट वाइज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा इजी लगेगा। ये सही हो गया, इधर तो किसी को डाउट। दिस मेथड इज प्रोपाउंडेड एंड डेवलप एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। नाउ अंडर दिस मेथड व्हाट ही हैज एक्सप्लेन, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। उसने ये थ्योरी के अंदर क्या बताया, उसने जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो बिजनेस के टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस हो जाते, चेंज हो जाते। तो ही हैज एक्सप्लेन हाउ द एक्सपेंसेस, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस चेंज बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंज। मतलब मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस ओरिजिनल प्राइस पे कितने रहेंगे और चेंज इन प्राइस पे कितने रहेंगे। मतलब जब प्राइस चेंज होता है तब टोटल एक्सपेंसेस क्या रहेंगे, और प्राइस बदलने के पहले टोटल एक्सपेंसेस क्या होता है। सो ही हैज एक्सप्लेन द हाउ टोटल एक्सपेंसेस बिहेव व्हेन बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज। प्राइस चेंज होने के पहले का सिनारियो, प्राइस चेंज होने के बाद का सिनारियो। तो क्या फर्क पड़ता है एक्सपेंसेस के ऊपर, टोटल जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के उनमें क्या असर होता है ओरिजिनल प्राइस पे और चेंज इन प्राइस पे, इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन, ये एक लाइन के ऊपर पूरा क्वेश्चन है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। समझ में आया। इफ सपोज इफ आई स्पेंड सम अमाउंट ऑफ मनी एट ओरिजिनल प्राइस, तब सिनारियो क्या होता है, और जब किसी
चीज की डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस चेंज हो जाती है, तब मेरे एक्सपेंसेस कितने रहेंगे? तो एक्सपेंसेस चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहे हैं? एक्सपेंसेस चेंज हो रहे हैं। क्या चेंज हो रहे हैं? एक्सपेंसेस चेंज हो रहे हैं। किसके वजह से? प्राइस के चेंज। बराबर है ना? नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गोइंग टू बी चेंज, क्या चेंज होने वाला है? एक्सपेंसेस चेंज होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है? किसके वजह से? बस पूरे क्वेश्चन में वही दिखाना है, ओरिजिनल प्राइस पे क्या एक्सपेंसेस थे, जब प्राइस चेंज हो गया तो क्या एक्सपेंसेस। दैट्स क्वेश्चन इज बिलोंग टू दिस ओनली। अंडरस्टूड? जब मेरा प्राइस 10 रुपया था तब मेरे खर्चे कितने थे, और जब मेरा, देखो अभी एक सिंपल और थे, पढ़ाने के पहले मैं कुछ और बता देता हूँ। इनसे इनका टेबल छोड़ दो, मैं अपना अपना टेबल डिजाइन करेंगे। ये ओरिजिनल प्राइस कितना? 10 रुपया एक यूनिट पर। बराबर? तो एक्सपेंसेस कितने, चलो मान लेते हैं जब मेरा प्राइस ओरिजिनल 10 रुपीज था तब मेरे एक्सपेंसेस 100 थे। अब प्राइस क्या हो जाएगा? चेंज। अभी बोला ना, प्राइस चेंज हो जाएगा तो एक्सपेंसेस विल बी रिमेन सेम और नॉट। तो प्राइस मेरा 7 रुपया हो जाएगा, मतलब प्राइस बढ़ा या कम हो गया? तो एक्सपेंसेस पे क्या फर्क होगा वो हम लोग को देखना है। फिल इन द ब्लैंक्स, वो तो मैं बाकी रखूंगा। अब और सर, प्राइस कितना है ओरिजिनल? प्राइस इसको क्या करेंगे, थोड़ा राइज। बढ़ा या कम हुआ? 3 चेंजेस शो करने हैं हम लोग। क्या चेंजेस शो कर रहे हैं? 3 चेंजेस। एक, प्राइस मेरा फॉल होने के बाद टोटल एक्सपेंसेस क्या होगा? एक, मेरा प्राइस राइज होने के बाद टोटल एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? और तीसरा एक चेंज है, प्राइस फॉल होने दो या राइज होने दो, टोटल एक्सपेंसेस विल बी रिमेन सेम। ये तीसरा चेंज। मतलब समटाइम्स ऐसे भी होता है मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, मार्केट में प्राइस किसी चीज का बढ़ने दो या घटने दो, एक्सपेंसेस विल बी रिमेन सेम। दीज आर दी 3 सिचुएशन दैट वी नीड टू चेक अंडर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड? द प्राइस बढ़ने के वजह से एक्सपेंसेस क्या होगा, प्राइस घटने के वजह से एक्सपेंसेस क्या होगा, और प्राइस बढ़ने दो या घटने दो, एक्सपेंसेस विल बी रिमेन सेम। सो हाउ मेनी चेंजेस वी हैव टू सीन इन दिस क्वेश्चन? 3। समझ में आया? पहले बॉटम लाइन समझ में आया, क्वेश्चन में क्या पढ़ना है तब जाके ये समझ में आएगा, अदरवाइज बाउंस बैक। समझ में आया? ये 2 लाइन क्लियर हो गया। सो दिस थ्योरी इज इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड आयशर। अंडर दिस थ्योरी ही हैज एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ टोटल एक्सपेंसेस, इट हैज बीन चेंज्ड ड्यू टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सो हाउ टू कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंसेस, क्या फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने का? टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइस एंड डिमांड। इस तरह से हम लोग निकालेंगे टोटल एक्सपेंसेस। तो इसमें कभी प्राइस फॉल होगा, कभी प्राइस राइज होगा, कभी फॉल और राइज होगा। 3 चेंजेस देखने। अंडरस्टूड? पहले राइज और फॉल देखते हैं, उसके बाद इक्वल का देखते हैं। राइट? सो टेबल आपके सामने दिख रहा है, टेबल टोटल एक्सपेंसेस का टेबल है। पहले टेबल को स्टडी कर। पहला एग्जांपल नंबर 1, जिसको ए नाम दिया हुआ है, दिया है ना? अब ए में क्या हो रहा है? ओरिजिनल प्राइस कितना है? जब ओरिजिनल प्राइस मेरा 10 रुपया पर यूनिट था तब ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड मेरा कितना हो रहा है? 6 यूनिट का डिमांड था। बराबर है कि नहीं? ओरिजिनल प्राइस 10, ओरिजिनल डिमांड 6। तो फॉर्मूला क्या है टोटल एक्सपेंसेस का? प्राइस इनटू डिमांड। तो प्राइस कितना था? 10। डिमांड कितना है? 6। तो एक्सपेंसेस कितने होंगे? आ गया, ये ओरिजिनल है, ये क्या था? ओरिजिनल। अब चेंज होगा, अब हम लोग को चेंज देखना है ना। समटाइम्स प्राइस फॉल्स, समटाइम्स प्राइस राइज, समटाइम्स इक्वल। तो पहला देखेंगे केस नंबर 1 में। नाउ अंडर दिस केस क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस घट रहा है? बढ़ रहा है। तो पहले ओरिजिनल प्राइस कितना था? ओरिजिनल प्राइस 10। अब और प्राइस राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है? कितना हुआ? 20। प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ने के वजह से स्मॉल डिमांड हल्का सा अफेक्ट होगा, है ना?
ये मार्शल ने बनाया ना थ्योरी, तो मार्शल तो अपना बिहेवियर छोड़ेगा नहीं, उसने तो वही सिखाया हम लोग को कि जब प्राइस थोड़ा राइज होगा तो डिमांड थोड़ा घट जाएगा। तो हम लोग ने वो पॉइंट पूरा प्रॉपरली मार्शल का कंसिडर किया, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस 10 था, ओरिजिनल डिमांड 6 था, तब एक्सपेंसेस कितने थे 60 यूनिट। अब प्राइस क्या हो गया राइज, अब प्राइस राइज होने की वजह से डिमांड हल्का सा क्या हो जाएगा कम, तो 20 × 5 कितना हो गया 100। तो टोटल एक्सपेंसेस ओरिजिनल एक्सपेंसेस ज्यादा है या कम है, ओरिजिनल एक्सपेंसेस कितने हैं 60, अब चेंज एक्सपेंसेस कितने हैं 100। इस सिचुएशन को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 क्लोज, इज ग्रेटर देन मतलब जो ओरिजिनल एक्सपेंसेस है वो चेंज इन एक्सपेंसेस है ओरिजिनल से ज्यादा है। ओरिजिनल कितना 60 था ना, चेंज कितना हुआ 100, तो ज्यादा हुआ ना, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ये समझ में आया, कुछ नहीं टेबल ही है, नीचे वाला देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था, क्या बात है। अब हम लोग प्राइस को थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं, ये 50-60 बराबर है क्या बेटा, जरा चेक करो। नहीं मैंने कुछ टेबल किधर है, बराबर चलो केस नंबर 2 देखते हैं अभी। नाउ केस नंबर 2 में क्या दिखा रहा है, हाउ मच इज द प्राइस 30, हाउ मच इज द डिमांड, हाउ मच इज टोटल एक्सपेंसेस, ओरिजिनल टोटल एक्सपेंसेस हाउ मच 120। सेम नाउ प्राइस अगेन इट्स राइजिंग, प्राइस अगेन इट्स राइजिंग मतलब चेंज हो रहा है, प्राइस पहले 30 था अब कितना हुआ 40 होने के वजह से डिमांड हल्का सा क्या हो गया कम, तो अफेक्ट क्या हो रहा है देखो, लेकिन टोटल एक्सपेंसेस विल बी रिमेन सेम। तो इसका मतलब इन केस प्राइस फॉल और इन केस प्राइस राइज टोटल एक्सपेंसेस विल बी रिमेन सेम, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। तीन सिचुएशन करना है अपने को, अब कितना हुआ 2 सिचुएशन हुआ, एक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, एक में हम लोगों ने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, टोटल एक्सपेंसेस विल बी रिमेन सेम, प्राइस बढ़ रहा है बट टोटल एक्सपेंसेस ग्रेटर देन 1, प्राइस बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल। नाउ यहाँ पे भी प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस कितना था पहले 50, अब कितना हुआ 60, चलो ओरिजिनल प्राइस 50, ओरिजिनल डिमांड 100, सॉरी 2, ओरिजिनल डिमांड इज 2 यूनिट, सो इन 2 इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस इज 100 यूनिट, सो टोटल एक्सपेंसेस इज 100 यूनिट। नाउ यू कैन सी हियर व्हेन द प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, टोटल एक्सपेंसेस इज 60, बट इस सिचुएशन में क्या हुआ टोटल एक्सपेंसेस फॉल हुए, इसमें टोटल एक्सपेंसेस राइज हुए, तीनों केस हम लोग ने देखे हैं। तो इन दिस केस क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर देन 1, ओके, तीन केस, तो यही हम लोग को डायग्राम में ना एक्सप्लेनेशन में भी लिखना है, तो एक्सप्लेनेशन भी इसी तरह से यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको लिख के दिया है, अगर आप लास्ट वाला केस अभी जो पढ़ा है ना वो देखो इन द एग्जांपल ऑफ सी लिखा है, कैसे लिखना है एक्सप्लेनेशन, इन द एग्जांपल ऑफ सी वो बोर्ड पे देखो लिखा है, क्या लिखा है ओरिजिनल प्राइस, बोलो मैं जो बोलता हूँ बोलो, इन द एग्जांपल ऑफ सी, कौन सा सी वाला एग्जांपल है ना, ओरिजिनल प्राइस हाउ मच 50 लिखा है, ओरिजिनल प्राइस 50 पर यूनिट बराबर, एंड अब बाजू में क्या लिखा है ओरिजिनल डिमांड 2 यूनिट बराबर वही लिखा है, मतलब कुछ अपने को अपना दिमाग लगाना नहीं है, एक बार टेबल देख लिया तो उसी को देख के लिखना है, इन द एग्जांपल ऑफ सी ओरिजिनल पर यूनिट एंड ओरिजिनल डिमांड इज 2 यूनिट वही लिखा है ना, इन दैट द सेम सिचुएशन क्या लिखा ओरिजिनल टोटल एक्सपेंसेस इज वही लिखा है, पूरा लाइन वही कॉपी पेस्ट है, टेक्स्ट बुक देख के लिखा हुआ है बट अलग कुछ है नहीं, उसके नीचे चेंजेस देखना है, नाउ इट हैज बीन मेक अ चेंजेस, प्राइस बढ़ रहा है तो वहां पे लिखा है व्हेन प्राइसेस राइजेस, प्राइस बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ेगा तब क्या चेंज होगा, तो देखो क्या लिखा है व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 50 यूनिट टू 60 यूनिट एट द सेम टाइम क्वांटिटी डिमांड 1,
फॉल्स हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है 1 यूनिट एंड टोटल एक्सपेंसेस इज फॉल्स फ्रॉम 100 यूनिट टू 60. इट मींस लिखा हुआ है टोटल आउटले इज लेसर देन ओरिजिनल एक्सपेंसेस. ये 60 है ना, ओरिजिनल कितना है तो बहुत ज्यादा है या कम है, तो ओरिजिनल एक्सपेंसेस से चेंज एक्सपेंसेस कम है, इसीलिए इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, हैंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन. समझ रहे हाउ टू राइट द एक्सप्लेनेशन. इसको देख देख के आप सीख सकते हो आराम से. ये चार्ट आएगा तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चार्ट कैसे आएगा एग्जाम में, आपके पास एक ऑप्शन है, आप चीट वगैरह लेके कैरी कर सकते हो, मतलब लिख के कहीं पर है ना, दैट इज द पॉसिबल. हाथ पे लिखो मतलब कहीं पर वो एडजस्ट हो जाए. ये तो वैसे ही क्वेश्चन था, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आपको पूछना पड़ेगा तो टेबल लिख के आएगा थोड़ी आगे कैसे आएगा. तो ये अपना जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक का यहाँ पर क्लोज हो. अब एक क्वेश्चन है वो एक्सक्लूडेड रहेगा तो हटा देंगे, इंक्लूडेड रहेगा पढ़ा दूंगा. इसका वो मेथड लास्ट वाला कौन सा तो है, पॉइंट मेथड. ये आता है आउटले एक्सपेंसेस ऊपर. Thank you.